ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। प्रदेश में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी सियासी दलों ने अपनी दावेदारी शुरू कर दी है। सियासी जानकारों की माने तो हिमाचल प्रदेश की भाजपा सरकार के खिलाफ एंटी इंकमेंसी चरम पर है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी और प्रदेश की सियासत में अपनी जमीन तलाश रही आम आदमी पार्टी भी अपने चुनाव प्रचार में तेजी ला रही है। कांग्रेस की तरफ से हिमाचल विधानसभा चुनाव के लिए सीनियर ऑब्जर्वर बनाए गए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गुरुवार को एक आम सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। सीएम बघेल ने कहा कि आज महंगाई की सबसे ज्यादा मार माताएं और बहनों पर पड़ रही है। तवे पर रोटी बनती है, लेकिन रोटी को नहीं पलटने पर क्या होता है? जल जाती है ना, तो अब रोटी पलटने का समय आ गया है। जयराम की सरकार से पीछा छुड़ाने का समय है। हाथ जोड़ो, पीछा छोड़ो, जयराम जी कहने का वक्त आ गया है। आपको बता दे, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हिमाचल प्रदेश के सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में विशाल जनसभा को संबोधित किया। भूपेश बघेल ने कहा कि जयराम जी ने आपकी तकलीफें बढ़ाई, आपके बच्चों को नौकरी नहीं दी, और क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य में पेपर क्यों लीक होता है? मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला, उत्तर प्रदेश में पेपर लीक, शिक्षकों को भर्ती में घोटाला, अब हिमाचल प्रदेश में आया हूं तो यहां भी उसी प्रकार की बातें सुनाई दे रही। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी सरकार है वहां पेपर बेचा जाता है, परीक्षाएं रद्द की जाती है, रेलवे की भर्ती रोक दी गई है, सारी भर्तियां बंद। और तो और जो कहते थे वन पेंशन, अब तो नो रैंक नो पेंशन, तो जो कहते हैं उसका उलट करते हैं। सीएम भूपेश बघेल ने आगे कहा कि हमने वहां के किसानों से वादा किया था कि आपके ऋण माफी करेंगे, 2500 रुपए क्विंटल में धान खरीदी करेंगे, हमारा छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहलाता है, आज वहां के किसानों को मिल रहा है। केंद्र सरकार ने अड़ंगा लगाया है, समर्थन मूल्य से 1 रुपया भी देंगे तो आपका चावल नहीं खरीदा जाएगा। हमने राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू की और आज इस साल किसानों को 2640 रुपये पड़ेगा प्रति क्विंटल। 2500 रुपये का वादा था, हम 2640 रुपये दे रहे हैं। अगले साल चुनाव होगा हमारे यहां, तब तक 2800 रुपये हो जाएगा। देश में कहीं नहीं मिल रहा है जो छत्तीसगढ़ में मिल रहा है। हमने जो वादा किया था उसे पूरा किया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये गाय माता की बहुत पूजा करते हैं, गाय की सेवा कहीं नहीं करते। गाय के नाम से दंगा करा सकते हैं, गाय के नाम से वोट मांग सकते हैं, आपके भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं, गौ माता की सेवा नहीं कर सकते। अरे गौ माता की सेवा करना जाग छत्तीसगढ़ में देखो, गाय की सेवा भी कर रहे हैं, गौठान भी बना रहे हैं, उसके लिए चारा की भी व्यवस्था कर रहे हैं, 2 रुपये किलो में गोबर भी खरीद रहे हैं और साथ ही गौमूत्र भी 4 रुपये लीटर में खरीदना शुरू। केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए भूपेश बघेल ने कहा है कि मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जयराम जी 5 साल बीत गया, आप लोग झेल चुके, माताएं बहने अभी दोपहर का समय है जाके रोटियां बनाएंगी, शाम की भी रोटियां बनाती है और चूल्हे में बनाती है, तवा ऊपर रहता है उसके ऊपर रोटी डाला जाता है, रोटी के ना पलटे तो फिर क्या हो जाता है? क्यों अलका जी, यदि रोटी ना पलटो तो क्या हो जाता है? जल जाता। तो रोटी पलटने का समय आ गया है, क्योंकि महंगाई के सबसे ज्यादा मार माताओं बहनों पे। तो ये जयराम जी की जो सरकार है उससे पीछा छुड़ाने का समय है। हाथ जोड़ो, पीछा छोड़ो, जयराम जी की, ये कहने का वक्त आ गया है। क्यों मुकेश जी, हाथ जोड़ो, पीछा छोड़ो, जयराम जी की, 40 दिन बाद यही करना है। तो आप सबसे यही कहना चाहूंगा कि आने वाला समय आपका है, नौजवानों का है, किसानों का है। मुख्यमंत्री बघेल ने आगे कहा कि इस प्रकार से लोगों का आय बढ़ाने का काम और कर्मचारियों को तो अभी ढुलवा रहे हैं खूब,
बसों में, ट्रकों में, गाड़ियों में सारे कर्मचारी जिस प्रकार से बताया, तहसीलदार, एसडीएम, पटवारी, वो सब लगे हैं काम में। भीड़ बढ़ाओ, मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, लेकिन उसका ओल्ड पेंशन स्कीम लागू नहीं करेंगे। छत्तीसगढ़ में हमने लागू किया है, राजस्थान में पहले लागू किया, उसके बाद हमने छत्तीसगढ़ में लागू किया, झारखंड में भी हमारी सरकार है, वहां भी लागू है। और चौथा कोई प्रदेश होगा ओल्ड पेंशन स्कीम का, तो हिमाचल प्रदेश होगा, जहां आपके कांग्रेस की सरकार बनेगी। पॉलिटॉक्स ब्यूरो दिल्ली, ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।